नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं आपके साथ अल्केश कुमारी। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों से। ईरान परमाणु समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को 5 साल कारावास की सजा। राधे मां के साथ थाने में पुलिस ने लगाए ठुमके। किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर तरह से तैयार, बोले सचिन पायलट। अब खबरें विस्तार से। ईरान परमाणु समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को 5 साल कारावास की सजा। विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाली ईरानी टीम के एक सदस्य को जासूसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 साल की जेल की सजा दी गई। इसकी जानकारी एक अर्ध आधिकारिक संवाद समिति ने दी है। सूचनाओं के अनुसार सिर्फ ईरानी कनाडाई नागरिक अब्दुल रसूल दोरी इस फरानी है जिन पर आपराधिक मामले चल रहा है। अगर इसके हिरासत में लिए जाने की पुष्टि होती है तो वे देश में गिरफ्तार किए जाने वाले दोहरी नागरिकता धारी दूसरे व्यक्ति होंगे। दिल्ली के विवेक विहार थाने में विवादास्पद धर्मगुरु राधे मां के साथ पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें थाने में पुलिस कर्मी राधे मां के साथ गीत गाते और ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही विवेक विहार के SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वह जिन 5 पुलिस कर्मियों ने स्वागत किया और साथ में फोटो खिंचवाई थी, इन सभी को भी पुलिस लाइन में भेज देने का आदेश हुआ है। माना जा रहा है कि विवेक विहार के कुछ और पुलिसकर्मी भी नपेंगे। बता दें कि दिल्ली के विवेक विहार थाने में विवादास्पद धर्मगुरु राधे मां के प्रति खाकी का सम्मान देखकर सब चकित रह गए। थाने में पहुंचते ही राधे मां थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो गई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद SHO ने उनका स्वागत किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। राधे मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो भी कतार में लग गया। विवेक विहार थाने की ये तस्वीर नवरात्रा के दौरान महाअष्टमी की है। ये मामला सामने आते ही इस प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर्विस सेक्टर ने दिए सुधार के संकेत। दिसंबर महीने में PMI 50.7 पर पहुंचा। नई दिल्ली JNN सितंबर महीने में भारत की सेवा क्षेत्र में जुड़ी कंपनियों की गतिविधियों में असर दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मांग में सुधार हुआ है और कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया को बीते 6 साल में सबसे तेज करने के लिए मजबूत होना पड़ा है। एक बिजनेस सर्वे में गुरुवार को ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि इंडिया के सर्विस सेक्टर PMI को 50 न्यूनतम स्तर ने अगस्त महीने के दौरान इससे नीचे का स्तर, जिसके प्रमुख वजन 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा पर GST रहा। मुंबई में राज ठाकरे का हल्ला बोल, रैली के लिए पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी। मुंबई के एनफिस्टन स्टेशन पर हुए हादसे के विरोध में मन से सुप्रीमो राज ठाकरे महारैली कर रहे हैं। मेट्रो थिएटर से लेकर चर्च गेट तक जाने वाली इस महारैली को मुंबई पुलिस ने फिलहाल परमिशन नहीं दी है। इनके बावजूद मन से नेता और कार्यकर्ता चर्च गेट स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हालात ना बिगड़े इसलिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए हैं। पीएम मोदी का नया स्टाइल, अब डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर उठ रहे सवालों का गिन गिन कर जवाब दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बुधवार को पीएम ने सरकार के कदमों के बारे में बताया। पीएम मोदी का इस दौरान एक नया अंदाज दिखा। अक्सर अपने भाषण में मोदी विरोधियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ उन्हें चित किया। पीएम ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए आंकड़े जारी किए और हर सेक्टर की ग्रोथ को दर्शाया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, परिवेश, बेल बूटी, ओजरिया, चुनरी, साड़ियां, सलवार सूट, सूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध। और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता
मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास नानसा गेट नवलगढ़। संपर्क करें 9468821000 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायर वर्क्स, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड कोलसिया। संपर्क करें 9468821000 या फिर 9396963811। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। रेप केस में बढ़ सकती है पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की मुसीबत। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल रेप मामले में जयपुर महानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को बहस पूरी होने के बाद अब फैसले की घड़ी नजदीक मानी जा रही है। इसी के साथ मेघवाल की मुसीबत भी बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि रेप पीड़िता की रिवीजन अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने रिवीजन का विरोध करते हुए इसे खारिज करने का आग्रह किया है। किसान न्याय पद यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी। कांग्रेस की किसान न्याय पद यात्रा आज झालावाड़ जिले के कानपुर में रही, जहां पीसीसी चीफ सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूनी ने खानपुर में विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर में प्रदर्शन किया। इस दौरान खानपुर में मीडिया से खास बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के किसान चाहते हैं कि उनका कर्ज माफ हो। उन्होंने कहा कि जैसे कि भाजपा की उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों ने किया है, तो फिर राजस्थान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।